सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू autoresponders.com। और आज हम बात करेंगे क्यू आर कोड के बारे में। क्यू आर कोड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो autoresponder में फ्री अवेलेबल है। आप डिफरेंट डिफरेंट क्यू आर कोड जनरेट कर सकते हैं फॉर योर प्रोडक्ट, फॉर योर सर्विसेज। अगर आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसके लिए आप क्यू आर कोड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब हम देखेंगे कैसे हम क्यू आर कोड को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम उसके साथ कस्टम इंटीग्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम क्यू आर कोड से लीड्स को कैप्चर करके अपने सेल्स वालों के मोबाइल नंबर पर भी भेज सकते हैं, कैसे हमने जो लीड्स क्यू आर कोड से कैप्चर करें उनको ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ autoresponder सॉफ्टवेयर के अंदर। तो मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद मेरे को क्लिक करना है लीड सोर्स पर। अब लीड सोर्स का मतलब ये होता है कि जहाँ से भी हम लीड्स को जनरेट कर रहे हैं या लीड्स जहाँ से हमें आ रही हैं उन सारे सोर्स को लीड सोर्स बोलते हैं ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कस्टम लीड सोर्स क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए अलग अलग लीड सोर्सेज क्रिएटेड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लीड सोर्स क्रिएट कर लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का। आई कैन अज्यूम कि मैं एक कॉलेज में हूँ और मैं एक डिजिटल मार्केटिंग का इवेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग इवेंट, ठीक है। अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा क्या होगा कि मेरा एक कस्टम इंटीग्रेशन क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं लीड सोर्सेज पे जाता हूँ, लीड सोर्स पे मैं जैसे जाऊँगा यहाँ पे आप देखिए डिजिटल मार्केटिंग इवेंट करके एक मेरा लीड सोर्स क्रिएट हो गया है। अब मेरे को इस पर्टिकुलर लीड सोर्स से जो लीड चाहिए उससे रिलेटेड मैं इंटीग्रेशन करूँगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि वीडियो हम क्यूआर कोड के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप व्यू क्यूआर कोड कर सकते हैं, आप क्यूआर कोड को जनरेट कर सकते हैं और आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं व्यू क्यूआर कोड। तो जैसे मैं व्यू क्यूआर कोड पे क्लिक करूँगा, डेफिनेटली मेरा कोई भी क्यूआर कोड नहीं है तो यहाँ पे वो डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्यूआर कोड जनरेट करना है डिजिटल मार्केटिंग इवेंट के लिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ग्रीन बटन पर जनरेट क्यूआर कोड। तो जैसे ही मैं जनरेट क्यूआर कोड पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्यूआर कोड जनरेट हो गया है, ठीक है। अगर मैं इस पर्टिकुलर क्यूआर कोड को देखना चाहता हूँ तो मैं यहीं पे ये देखिए क्लिक करूँगा तो ये मेरा जो क्यूआर कोड है वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सेकंड, मैं चाहूँ तो उसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ एंड प्रिंट भी करा सकता हूँ अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए या किसी ब्रांडिंग के लिए, ठीक है। तो मैं डाउनलोड पर जैसे क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड हो गया है, राइट। तो इसका बेस्ट पार्ट ये है कि जब हमने ये क्यूआर कोड डाउनलोड किया है हम इसको किसी को भी शेयर कर सकते हैं टू कैप्चर द लीड। सेकंड, मैंने यहाँ पे ये यूआरएल को कॉपी कर लिया है, ये दिया है ना यूआरएल। और अगर मैं इस पर्टिकुलर यूआरएल को वेब ब्राउज़र पे पेस्ट करता हूँ एंड अगर मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फॉर्म भी ओपन हो जाएगा इस पर्टिकुलर लीड सोर्स के लिए। अगर मेरे को मैनुअल डेटा कैप्चर करना है तो मैं क्यूआर कोड से भी डेटा कैप्चर कर सकता हूँ लीड सोर्स में और मैं मैनुअल भी कैप्चर कर सकता हूँ। अभी हम बात करें क्यूआर कोड की, तो मैंने आपको बताया कि आप कैसे क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो, कैसे देख सकते हो, कैसे डाउनलोड कर सकते हो। अब हम आगे की बात करते हैं। इस पर्टिकुलर क्यूआर कोड के लिए मेरे को चाहता हूँ कि इससे जो भी लीड आ रही है मैं उसको किसी पर्टिकुलर मोबाइल पे सेंड करूँ। तो यहाँ पे मैंने दिया एक ऑप्शन दिया हुआ है, डू यू वांट लीड डिटेल्स ऑन योर मोबाइल नंबर्स आल्सो। मैं यहाँ पे येस कर देता हूँ और यहाँ पे एक ब्लू लाइन दी हुई है, एंटर कॉमा सेपरेटेड नंबर्स इफ़ यू वांट लीड डिटेल्स ऑन योर मल्टीपल नंबर्स। मतलब जो भी आपका क्यूआर कोड स्कैन करेगा और इन्फॉर्मेशन सबमिट करेगा उसका सेम टू सेम अलर्ट आपकी सेल्स टीम या मार्केटिंग टीम के पास चला जाएगा सो दैट वो उस पर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी इस पर ये नहीं करता हूँ और मैं इसको सिंपल सेव एंड सेव कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करता हूँ। तो मेरा ये क्यूआर कोड जो था वो बन गया है। अब इस क्यूआर कोड से रिलेटेड कोई भी अगर डेटा आएगा वो इसके अंदर विजिबल हो जाएगा। तो मैं आपको अभी एक लाइव डेमो दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे व्यू क्यूआर कोड करता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ लीड्स में। यहाँ पे अभी कोई भी लीड क्यूआर कोड से रिलेटेड नहीं है या उस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन जिसको हम बोल रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग इवेंट, वहाँ से अभी नहीं, सब वेबसाइट से ही लीड्स आ रही हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब मैं इस क्यूआर कोड को एक स्कैन करता हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करने की कोशिश करके बताता हूँ। मैं ये मोबाइल से कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने मोबाइल में इसको स्कैन कर लिया है। स्कैन करने के बाद एक इन्फॉर्मेशन वाला पेज ओपन हो गया है जिसमें मेरे को डिटेल्स पुटअप करनी होगी। तो मैं जल्दी से डाल देता हूँ, मेरा नाम डाल दिया है, मेरी कंपनी का नाम डाल दिया है, सिटी डाल दी है मैंने भोपाल, एड्रेस डाल दिया मैंने भोपाल, ओके। मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी है एंड मैंने अपना मोबाइल नंबर भी इसके अंदर डाल दिया है। तो ये मैंने डाल दिया और मैसेज लिख दिया मैंने आई नीड योर सर्विस, ओके। सो मैंने यहाँ पे डाला आई नीड योर सर्विस करके एंड मैं इसको सबमिट करता हूँ।
तो जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये लीड क्रिएटेड सक्सेसफुली का मेरे को मैसेज आ गया मेरे मोबाइल पर। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने ये QR कोड स्कैन करके ही अपना डेटा सबमिट किया था। अब मैं सबमिट पे, मैं लीड्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो लीड मैंने अभी क्रिएट किए मेरे मोबाइल से वाया स्कैनिंग QR कोड, वो इसमें कैप्चर होनी चाहिए। तो ये देखिए, डिजिटल मार्केटिंग इवेंट से मेरे को एक कोल्ड लीड आ गई है। नाम जो दिया है संदीप है, ये उनका नंबर है, ईमेल आईडी, और यहाँ पे लिखा आई नीड योर सर्विस, ये लीड इस टाइम पे आई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप QR कोड क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि कैसे आप QR कोड से रिलेटेड जो भी लीड्स आ रही हैं उस पर वर्क फ्लो क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको वर्क फ्लो पर जाना है, वर्क फ्लो पर जाने के बाद आप को चूज़ करना है वो लीड सोर्स, जैसे कि यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का था। मैं शो पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कि अभी कोई भी हमारा ऑटोमेशन या वर्क फ्लो क्रिएटेड नहीं है। तो हमें अब वर्क फ्लो क्रिएट करना है, तो वर्क फ्लो पर मैं जाऊंगा, वर्क फ्लो पर क्रिएट करने और क्रिएट वर्क फ्लो पर मेरे को ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं वर्क क्रिएट वर्क फ्लो पर क्लिक करूँगा, ये मुझे पूछेगा कि किस लीड सोर्स का आपको वर्क फ्लो क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा डिजिटल मार्केटिंग इवेंट का। सो डिजिटल मार्केटिंग इवेंट का जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये मेरे को ऑप्शन पूछ रहा है कि कौन सा वर्क फ्लो क्रिएट करना है। आपको SMS का क्रिएट करना है, आपको ईमेल का करना है, वॉइस का करना है, वॉइस मतलब वॉइस रिलेटेड वॉइस कॉल, रिकॉर्डेड वॉइस कॉल जो होते हैं उसका, या व्हाट्सअप आप से भेजना चाहते हैं। तो मैं सिंपल SMS का कर लेता हूँ, ये जस्ट डेमो के लिए है। अब मैं यहाँ पे एक ऑप्शन पूछ रहा है कि ऑटोरेस्पॉन्डर का नाम क्या देना चाहते हैं, तो मैं इसको बोलता हूँ वेलकम। जैसे कोई फर्स्ट टाइम मेरे पास QR कोड स्कैन करके डेटा आएगा, उसको मैं एक वेलकम मैसेज भेजूंगा। तो नंबर ऑफ डेज मैं 0 कर देता हूँ, मेरी जो लीड है उस पर कब ये मैसेज ट्रिगर होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 12:01। ये मेरी घड़ी के सिस्टम के हिसाब से है, मतलब जैसी लीड आएगी उसके एक मिनट बाद ये मैसेज ट्रिगर हो जाएगा। सो जैसे कि थैंक हाय, और मैं यहाँ पे एक मैसेज को भी कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यू कैन यूज़ नेम वेरिएबल, जिससे जो लीड के साथ नेम आ रहा है वो मैसेज बॉडी में नेम कैप्चर हो जाएगा और उसके रिलेटेड मैसेज जाएगा, तो काफ़ी पर्सनलाइज मैसेज जाता है। तो मैंने यहाँ पे ये नेम का जो वेरिएबल था ये कॉपी कर लिया है एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ओके, सो दिस इज नेम वेरिएबल, देन यहाँ पे मैं टाइप करूँगा थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, आवर सेल्स टीम विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। ओके, एंड थैंक्स autoresponders.com। ओके, अब क्या होगा कि जब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ तो ये मेरा एक फ़्लो क्रिएट हो गया है, एक मैसेज मैंने क्रिएट किया है। ऐसे मैं और भी बहुत सारे फ़्लो क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग में जाता हूँ, यहाँ पे आप देखिए कि मैंने एक वेलकम मैसेज क्रिएट कर लिया है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकता हूँ कि वो वेलकम मैसेज क्या है। तो ऐसे मैं मल्टीपल फॉलोअप सीक्वेंस क्रिएट कर सकता हूँ, एक दिन बाद, एक मिनट बाद, एक घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, एंड मैं अपने क्लाइंट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इंगेज कर सकता हूँ। चाहे वो मैं उसको SMS पे इंगेज करूँ, मैं उसको ईमेल पे इंगेज करूँ, मैं उसको व्हाट्सअप पे इंगेज करूँ, या वॉइस कॉल पे इंगेज करूँ। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप एक QR कोड से बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, लीड्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। थैंक यू।